What's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. जल्दी से जाओ guys, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो. और गाइज, आज की मैं वीडियो का लाइक एम रख रहा हूँ ओनली 10,000 लाइक का और 1,000 कमेंट का. और गाइज, आप लोगों में से सबसे ज्यादा जो भी कमेंट करेगा ना, उसको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है प्यारा सा शाउट आउट. गाइज, अपन ऐसे पहले करते थे कि जो सबसे ज्यादा कमेंट करता था उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देता था, तो वो आज से अपन फिर से दोबारा से कर रहे हैं. तो जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा ना, उसको मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारा सा शाउट आउट मिलने वाला है. तो फटाफट से जाओ गाइस, कमेंट्स कर दो यार. तो गाइस, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी तो आप लोगों को याद ही होगा, हम गए थे गाइस मिलिट्री बेस में मिलिट्री कर्नल की हेल्प लेके बेलास गैंग को खत्म करने के लिए. बट जब हम मिलिट्री बेस में गए तो वहां पे अलग ही सीन हो रखा था. मिलिट्री कर्नल ने लेस्टर को बुला रखा था और वहां पे गाइस एक बहुत बड़ा UFO क्रैश हो रखा था. और मिलिट्री कर्नल कह रहा है कि वो एलियंस में मानता है. उसके इसी चक्कर में ना गाइस, मैं भाई उसको अपने साथ बुला नहीं सका, क्योंकि गाइस अपनी जो फाइट है ना, वो बेलास गैंग के कुछ बेलास गैंग से चल रही है. और गाइस, बेलास गैंग ने लास्ट टाइम कुछ ऐसा गंदा गिरा हुआ काम किया था ना, उसने भाई माइकल के बेटे जिमी को ही किडनैप कर लिया. मैं कैसे भी करके जिमी को तो छुड़ा के लेके आ चुका हूँ, ठीक है. अभी शायद जिमी मैंने देखा था, वैसे जिमी एक सेकंड पहले मैं उसको देख तो लूँ. ओके, तो जिमी यहाँ पे लैपटॉप पे बैठ के कोई काम कर रहा है, ठीक है. गाइस, मैं आप लोग को बता देता हूँ, भाई जिमी को हम जैसे तैसे करके मस्जिद छुड़ा के लेके आ गए थे. बट गाइस, बेलास गैंग इतनी ज्यादा गिरे हुए काम कर सकती है ना, मैंने वो कभी नहीं सोचा था. मतलब गाइज, मैं मानता हूँ कि यार उसकी फाइट माइकल से है, बट उसने गाइज जिमी को किडनैप करके ना सही नहीं किया. मैंने और फ्रैंकलिन ने कैसे भी करके भाई उनसे अपने बेटे को बचा लिया. बट अभी भी गाइज, बेलास गैंग मुझे चप्पे चप्पे पे ढूंढ रही है. और मैं गाइज अभी लास्ट टाइम ना, मैं और भी गैंग्स के पास गया था उनसे ये पूछने के लिए कि मुझे अपनी गैंग में शामिल कर लो. बट गाइज, उन्होंने ना शर्तें रख दी थी कुछ. आज ना मैं गाइज वेगास गैंग के पास ही जाने वाला हूँ. मैं उनकी गैंग में शामिल होके ना बेलास गैंग को पूरा हम जड़ से ही खत्म करने वाले हैं. बाकी ठीक है गाइज यार, अभी ना भाई जो सबसे बड़ी बात है ना, अभी ये बात है कि अपनी जो फैमिली है ना, वो भी अपन को छोड़ के जा चुकी है यार. ये लास्ट टाइम यही गाड़ी थी जिसपे हम जिमी को बचा के लेके आए थे. भाई क्या ही करे यार, बेचारा माइकल हर जगह से फंसा पड़ा यार. वेट, अभी ये कौन गन मारा? मुझे लग रहा है ना गाइस, बेलास गैंग के बंदे घर पे आ चुके हैं. वेट यार, रुके, इसकी भैंस की टांग, गन निकालियो पहले तो भाई. ओ वेट, ओ ये तो ब्लैक ऑप्स के बंदे मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? वेट गाइस, ये तो ब्लैक ऑप्स के बंदे हैं भाई, ये मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? वेट गाइस यार, ये ब्लैक ऑप्स अलग से पंगे भाई, ब्लैक ऑप्स के. ओ वेट यार, ये ब्लैक ऑप्स के अलग से पंगे हैं भाई. बेलास गैंग तो अपने साथ फाइट में है ही है, और ब्लैक ऑप्स को एल रूबियो अपने पे हमला करने के लिए भेज देता है. कभी ट्रेवर भेज देता है, कभी एल रूबियो भेज देता है. तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकल भाई. और गाइस, मुझे ये गाड़ी में से था ना, इनको दूर ही रखना होगा, क्योंकि ये गाड़ी के कारण ही हम जिमी को बचा के लेके आए थे. तो ये गाड़ी से ना मुझे ये सारे बंदों को ना दूर रखना पड़ेगा. रुको भैंस की रुको. गाइस ये पीछे से क्या कर रहा है? तेरी ऐसी की तैसी, पीछे से भाई, ये तो मेरे घर में घुसे पड़े आई थिंक. रुकियो जरा, अबे तेरी ऐसी की तैसी, बाहर आइयो भाई. ये तो एक सेकेंड रुकियो भाई, ये जिमी को ना ले. अबे यहाँ से गाइस, जिमी भी डर के भाग चुका है. अबे रुक, तेरी ऐसी की तैसी, मेरे घर पे क्या कर रहा है भाई? एक तो ये मेरे घर पे भी इन्होंने भाई अंदर तक, देखो गाइस ये देखियो अंदर तक घुसे बैठे हैं भाई. एक सेकेंड रुकियो, बाहर आ, तेरी ऐसी की तैसी मैं देता हूँ भाई आज ना गाइस. पहले तो बेलास गैंग को दूर करना, उसके बाद कायो पेरी को मैं जाना यार. मुझे लेस्टर को कैसे भी करके अपने साथ लेना पड़ेगा भाई. अब तो कायो पेरी को जाके ना इसका परमानेंट सॉल्यूशन करना पड़ेगा. कभी भी मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता, कभी भी आ जाते मेरे ऊपर अटैक करने. देख लो अब तो घर पे घुसे पड़े हैं. आ बेटे बाहर आ, पहले तो तुम सबका सफाया करता हूँ. ओ भैंस, अबे कहाँ से मार रहा है? रुक तेरी रुक ऐसी की जैसी. चल गाइस, इनका परमानेंट सॉल्यूशन करना पड़ेगा यार. आज कायो पेरी को मुझे जाना ही पड़ेगा भाई, आज नहीं तो कल तक तो मुझे कायो पेरी को जाना पड़ेगा. पहले मैं बेलास गैंग का सीन तो कर लूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ भाई. रुक तेरी, चल दूर हो, तू भी निकल यहाँ से. गाइस रुको, अभी भी बंदे हैं ना भाई. एक सेकंड, अबे ओ किधर मार रहा है? एक सेकंड, ये इधर पैस की तेरी, निकल यहाँ से. अभी भी गाइस मेरे घर पे पहले बंदे घुस चुके हैं. रुको, मैं मुझे अपने घर पे जाके देखना पड़ेगा. वेट, यहाँ पे बंदे घर पे, एक सेकंड रुकियो यार. जिमी भी यहाँ से डर के पता नहीं कहाँ निकल गया. अबे जिमी तू कहाँ है भाई? वेट यार, ये जिमी कहीं ना कहीं छुप गया होगा भाई पक्का.
जिमी कहीं ना कहीं तो छुप गया होगा। गाइस ये जिमी तो अपने रूम में भी नहीं है यार, आई थिंक ये कहीं ना कुछ छुप गया होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, भागा तो नहीं होगा भाई, अपने घर से क्यों ही भागेगा। बट गाइस ये एल रूम है ना भाई, अपने ऊपर ऐसे ऐसे अटैक कर रहा है ना गाइस। अभी हम अपने ही खुद के घर में सेफ नहीं है, देख रहे हो आप लोग। भाई बंदे ने अपने घर पे कैसा गंदा अटैक करवाया, वो तो मैं बढ़िया कि भाई मैंने अपने अंदर बहुत बढ़िया एक आर्मर पहन रखा था, नहीं तो भाई अभी क्या ही हो जाता। मतलब गाइस ये सारा का सारा किया कराया ना एल रूबियो का है, क्योंकि ये जो गार्ड्स है ना ये सिर्फ आप लोग को कायो पेरिको में देखने को मिलेंगे। ये ब्लैक ऑप्स के बंदे हैं, ये सिर्फ कायो पेरिको में मिलते हैं। इनको सिर्फ तीन बंदे ऑपरेट करते हैं, या तो फिर है एल रूबियो, दूसरा है अंडरवाटर माफिया और तीसरा है ट्रेवर। भाई साहब इनका ना कुछ करना पड़ेगा आज के आज। तो पहले मैं मुझे बैलास गैंग से पीछा छुड़वाना है, क्योंकि गाइस ये जो बैलास गैंग है ना भाई ये बहुत गंदी गैंग है। इनसे पंगा लेना लेके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे डगन बोस के लिए ना, जो मैंने डगन बोस को पैसे दिए थे ना भाई, मुझे वहां से लाके पैसे नहीं देने चाहिए थे। इससे बढ़िया मैं बैंक ही लूट लेता, थोड़ा पुलिस से बच तो जाते। बट ये बैलास गैंग ना भाई हाथ धो के अपने पीछे पड़ी हुई। बैलास गैंग को ये वाला घर नहीं पता चला, नहीं तो भाई अभी के अभी आके पूरा घर ही जला देते, ये तो इनका बस चलता। तो गाइस कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार मैं क्या ही करूं। पहले तो यार भाई मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को बाहर निकालता हूं, रुको। ऑल राइट गाइस, मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को निकाल के बाहर की तरफ तो लेके आ चुका हूं। बट गाइस घर पे काफी सारी लाशें हैं, जो कि जिमी करवा देगा यार, इतना तो जिमी भाई कर ही सकता है। पहले तो ये बैलास गैंग का सीन खत्म करना होगा, क्योंकि गाइस अगर बैलास गैंग अपने पीछे पड़ गई ना तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मुझे पहले बैलास गैंग का सीन करना पड़ेगा, उसके बाद भाई मैंने लास्ट टाइम फोन भी अपने से ले लिया था। और मैं ना भाई पहले लेस्टर से बात करता हूँ, वो कब भाई मिलिट्री बेस से बाहर आएगा, क्योंकि मिलिट्री कर्नल तो भाई उसका कुछ ज्यादा ही बढ़िया दोस्त बन गया है। एक बार मैं बात करता हूँ उसको, ये सारा सीन बताता हूँ। ऑल राइट गाइज, मेरी जो है ना भाई लेस्टर से बात हो चुकी है। लेस्टर मेरे को बोल रहा है कि इस टाइम पे मिलिट्री कर्नल तुम्हारी 1% भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मिलिट्री कर्नल इतना ज्यादा चोमू है ना, वो बंदा बार बार यही सोच रहा है कि एलियन सच में होते हैं। जबकि अभी लेस्टर भी मान रहा है, क्योंकि गाइज उनको ना UFO मिला है, जो वो भी क्रैश्ड। तो भाई मुझे नहीं पता लेस्टर और वो दोनों क्यों मानते हैं यार, आप लोग बताओ यार, एलियंस होते भी हैं ये जो मान रहे हैं भाई, पता नहीं क्यों मान रहे हैं यार, मुझे तो भाई समझ में नहीं आ रहा। बाकी देखो भाई अभी तो क्या ही कह सकते हैं, बाकी आप लोग बताओ यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई एलियंस का सी। बाकी ठीक है गाइज, अभी ना मुझे फटाफट से यहाँ से जाना पड़ेगा और वेगोस गैंग के पास चलेंगे भाई। उसके बाद ये ना पहले वेगोस गैंग के पास जाके बैलास गैंग खत्म करते, या फिर ये सारी गैंग से ना आपस में हम दोस्ती डाल के उनसे या माफी मांग लेते हैं। क्योंकि गाइज हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी, हमने उनके जो बंदे थे ना सबसे पहले हमने मारे थे, ताकि वो डील हम फेल करवा सके। तो मैं चाहता हूँ पहले हम माफी मांग ले, क्योंकि गाइस ये जो बैलास गैंग है ना ये बहुत बड़ी गैंग है भाई, ताकि ना हम भाई बैलास गैंग से बच के रहें। बाकी ठीक है गाइस, अभी यार सीधा चलते हैं वेगोस गैंग के अड्डे पे। वेट वेट वेट, अबे ये तो अपना ही मेंशन है ना, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम। अबे एक सेकेंड रुकियो जरा, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। वेट वेट वेट, एक सेकंड, पहले मैं अपनी गाड़ी तो बंद कर लूँ। अबे रुक ना मैडम, साइड हो। बट गाइस ये क्या सीन है यार, भाई यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट क्यों? गाइस ये वही घर है जो अपने से छीन चुका है, मतलब गवर्नमेंट ने ना गाइस ये वाला घर भी माइकल से छीन लिया है। बट गाइस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम, यार मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे रुकियो यार, ये भाई ये बंदा मुझे पीछे जाने से मना कर रहा, तेरी ऐसी की तैसी, पीछे हट भाई, मैं तो जाके ही रहूंगा पीछे, ये मेरा घर है भाई, कौन रोक लेगा मुझे मेरे घर से जाने में। भैंस की टांग, ये मेरे घर को आखिरकार ये कर क्या रहे हैं भाई। गाइस यार ये तो अपना ही मेंशन था भाई, ये ना भाई सारा सीन भाई FIB और पुलिस वालों का हुआ हुआ है भाई, उन्होंने सब कुछ अपने से छीन लिया। बट गाइस ये मेरे घर को बिना मेरी परमिशन के कर क्या रहे हैं। बट गाइज वो मेरी परमिशन क्यों लेंगे, क्योंकि भाई उन्होंने अपने से सब कुछ छीन जो लिया है। गाइज एक बार ना मैं इसी बंदे से बात करता हूँ और पूछता हूँ इस घर को लिया किसने और कंस्ट्रक्शन का काम क्यों चल रहा है। ऑल राइट गाइज, मेरी जो है ना भाई इस बंदे से बात हो चुकी है। ये बोल रहा है कि कोई लॉस सैंटोस में ही कोई बंदा ऑलरेडी रहता है, उसने ये घर गवर्नमेंट से बाय करा है। भाई गवर्नमेंट ने क्यों भाई, गाइज यार मैंने भाई पुलिस वालों के वो पुलिस स्टेशन में जाके ना जो तबाही मचाई है ना, उसके बाद से अपनी सारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। गवर्नमेंट ने अपना सारे घर गाड़ियां बिजनेस सब कुछ ही भाई जब्त कर लिया है।
तो मतलब ये जो घर है ना, गवर्नमेंट ने भाई किसी आम इंसान को या किसी लॉस सैंटोस में रहने वाले बंदे को ही बेच दिया, और उस बंदे ने भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का पूरा काम चलवा के रखा हुआ है। भाई तेरी पैंस की कंस्ट्रक्शन रोक भाई, क्यों भाई, मेरा घर है भाई ये। गाइस यार मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है यार, ये गाइस यार क्यों मैंने बुरे काम करे यार, बुरे काम का नतीजा इतना ज़्यादा बुरा कि भाई अपना घर तो अपने से गया ही, अभी जिसने अपना घर लिया है ना उसने पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चला दिया। भाई मैंने सोचा था कि मैं गवर्नमेंट से कैसे भी करके लेस्टर से बात करके भाई अपने घर वापस ले लूँगा, बट गाइज यहाँ पे तो कुछ और ही सीन हो रखा है यार, पूरा घर रेनोवेट हो रहा है भाई, और ये घर किसी और ने बाय कर लिया है। गाइज यार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ यार, अपने घरों को वापस कैसे ले, और आजकल में रिच मैन मेंशन पे भी ऑक्शन होने वाली है, और रिच मैन मेंशन में ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए एक तो अपना प्यारा फ्रेंड लिबर्टी फ्रेंड आ रहा है, दूसरा भाई अपने सबसे बड़ा दुश्मन एल रूबियो आ रहा है। भाई मुझे कैसे, कम से कम ये मेंशन नहीं तो भाई रिच मैन मेंशन तो मुझे किसी भी हालत में बचाना है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार मैं क्या करूं यार। बाकी ठीक है यार, अभी अपने पे टेंशन सिर्फ बेलास गैंग की है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ वेगास गैंग के पास और उनसे बात करता हूँ कि बेलास गैंग से कैसे निपटा जाए। तो चलो गाइस यार अभी मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ और फटाफट से निकलता हूँ सीधा वेगास गैंग के अड्डे पे। ऑल राइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाता गाइस पहुंचने वाला हूँ वेगास गैंग के अड्डे पे। गाइस मैंने ना भाई इसके बारे में ना फ्रैंकलिन से और लेस्टर से दोनों से बात कर ली है, भाई कोई भी ना अपनी इस गैंग के चक्कर में अपना साथ देने को रेडी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो गैंग्स होती है ना वो बहुत गंदी होती है, जो भी कोई गैंग ऐसे पीछे पड़ जाए ना वो भाई जल्दी साथ छोड़ती नहीं है। तो चलो ठीक है गाइस, अभी इनका हम प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। लास्ट टाइम जब हम इनके पास आए थे ना तो इन्होंने बोला था कि हमारे लिए काम करके दिखाओ तभी हम तुमको अपनी गैंग में शामिल कर पाएंगे। चलो ठीक है गाइस, अभी सीधा चलते हैं भाई अंदर उसी बॉस को मिलने के लिए। तो चलो यार गाइस अभी चलते हैं सीधा अंदर की तरफ। और भाई एक सेकेंड यार, ये सारे वेगास गैंग के बंदे देख रहे हो भाई, इनकी टी शर्ट वगैरह मतलब ये ना तीन कलर्स में काम करते हैं, या तो वाइट या फिर ब्लैक और या फिर येलो। येलो इनका बहुत ही सही कलर है। हाँ तो चलो गाइज ठीक है, अभी ना गाइज एक बार इनसे बात कर लेते हैं। और भाई इनका मुझे बॉस दिख नहीं रहा, आई थिंक लास्ट टाइम ना भाई इनका बॉस जो है ना वो यहाँ पे खड़ा था, बट अभी भाई है नहीं, तो चलो यार इससे बात कर लेते हैं आखिरकार तुम्हारा बॉस है कहाँ। तो गाइज मेरी जो है ना भाई इस बंदे से बात हो चुकी है, ये कह रहा है कि जो बॉस है ना वो ऊपर छत पे हवा लेने के लिए गए हैं। भाई साहब बंदा छत पे हवा खा रहा है और इधर भाई अपनी जिंदगी में अलग ही प्रॉब्लम चल रही है और बंदा हवा खा रहा है। चलो ठीक है गाइज कोई बात नहीं यार, अभी जाके ना भाई उस बॉस को मिलते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई मुझे ना तुम्हारी गैंग में शामिल होना है। चलो ठीक है भाई अभी उससे बात करते हैं भाई कैसे हम उसकी गैंग में ज्वाइन हो सकते हैं। भाई बस एक बार मैं इनकी गैंग में ज्वाइन हो जाऊँ ना, उसके बाद भाई बेलास गैंग ना जो अपने आप को ज़्यादा ही चढ़ रही है ना भाई, उनको कैसे भी करके अपन ख़त्म करेंगे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है एक बार मैं पहुँच तो जाऊँ। ओके तो ये रहा भाई उनका बॉस। चलो यार गाइस इस बॉस से ना बात कर लेते हैं और भाई पूछते हैं कि कैसे मुझे गैंग ज्वाइन करनी है। ऑल राइट गाइस, मेरी जो है ना भाई इस बॉस से बात हो चुकी है। बॉस बोल रहा है कि तुमको हमारे लिए तीन चीज़ें करनी पड़ेगी अगर तुमको हमारी गैंग में ज्वाइन होना है, ठीक है। तो वो तीन चीज़ें ऐसी है कि जो तुम्हारे पास गाड़ी है जिसको तुम परमानेंट अपनी पर्सनल व्हीकल बना के ही घूमते हो ना, उसको तुमको येलो कलर में पेंट करवाना पड़ेगा। दूसरा तुमको येलो कलर की टी शर्ट पहननी पड़ेगी या फिर शर्ट पहननी पड़ेगी। तीसरा हमारे लिए कोई एक बहुत तगड़ा काम करके दिखाना पड़ेगा और वो काम इसने मुझे दे दिया है। काम है कि इनका वेगास गैंग का कोई एक मेंबर है जो कि पुलिस स्टेशन की जेल में बंद है और मुझे ना गाइस वहां से उस बंदे को छुड़ा के लेके आना है। भाई ये जो पुलिस स्टेशन का सीन है ना, लास्ट टाइम इसी पुलिस स्टेशन के चक्कर में अपने घर वर सब कुछ बिक गया और अभी भी ये बंदा कह रहा है कि मुझे उसको पुलिस स्टेशन में उसकी जेल में से इनका एक बंदा छुड़ा के लेके आना पड़ेगा तभी मैं इनकी गैंग में ज्वाइन हो सकता हूँ। भाई लास्ट टाइम पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया था ना हमने, तभी तो भाई इतना बड़ा लफड़ा हो गया था। अभी क्या ही करूँ गाइस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई अगर पुलिस स्टेशन में जाऊँ तो मैं गाइस क्यों ना एक काम करें, पुलिस स्टेशन में जाने के लिए क्यों ना मैं पुलिस के कपड़े ही खरीद लूँ। गाइस अगर मैं वहाँ पे जाके गंद डालता हूँ ना तो भाई सीन गलत ही हो जाएगा, और मैं अगर मास्क पहन के जाऊँगा ना तो वो मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। अगर मैं पुलिस के कपड़े पहन के जाऊँ ना
तो शायद उनको मैं पहचान में आऊं ही ना, और वो मुझे एक पुलिस इंस्पेक्टर समझ के या फिर पुलिस की यूनिफॉर्म में देख के या तो मेरे ऊपर ज्यादा शक भी ना करें। तो मुझे लगता है ना भाई अपन को यही काम करना चाहिए। तो गाइस अभी सबसे पहले काम है अपना एक ड्रेस स्टोर पे जाना, वहां से अपने लिए एक पुलिस की ड्रेस खरीदेंगे। पुलिस की ड्रेस खरीदने के बाद पुलिस स्टेशन में जाके इनका एक बंदा जो है उसको लेके आएंगे। उसके बाद फिर अपन को, चलो ठीक है गाइस वो चीजें बाद में देखते हैं भाई, पहले एक काम तो करें भाई, क्योंकि अपने पास अभी तीन काम है। तो ये अपन को ना भाई सारों के सारे काम करने पड़ेंगे, तभी जाके हम इनकी गैंग में ज्वाइन होंगे। जब हम इनकी गैंग में ज्वाइन हो गए उसके बाद इनकी लड़ाई हम बेलास गैंग के साथ करवा देंगे, जो कि बहुत खतरनाक सीन होने वाला है। चलो यार गाइस अभी मैं फटाफट से निकलता हूँ जल्दी से क्लोथ स्टोर की तरफ। ऑल राइट गाइस मैं अपनी गाड़ी को भगा के पहुंच चुका हूँ भाई क्लोथ स्टोर पे, और यहाँ से अपन गाइस पुलिस वालों के फेक कपड़े लेते हैं भाई। वो पुलिस वालों के फेक कपड़े लेके उसके बाद वेगास गैंग का बंदे को छुड़ा के लेके आते हैं भाई। उसका जो बॉस है ना भाई वो अपना दिमाग चेक कर रहा है कैसे हम उसके बंदे को पुलिस स्टेशन से छुड़ा के लेके आते हैं। चलो ठीक है अभी यहाँ से ना फटाफट से कपड़े ले लेते हैं पहले तो। ऑल राइट गाइज इधर तो भाई पुलिस वालों के ना खतरनाक कपड़े हमको मिल गए, और भाई साहब माइकल क्या ही लग रहा है, आप लोग देख रहे हो पूरा का पूरा पुलिस इंस्पेक्टर लग रहा है। और गाइज मैंने ना भाई यहाँ पे एक फेक वॉकी टॉकी भी लगा लिया है जिससे कि इनको लगे कि भाई हाँ रियल पुलिस वाला है। भाई मैं फेक कपड़े लेने आया तो यहाँ पे तो मुझे एक रियल टाइप के ही कपड़े मिल गए। तो चलो यार गाइज अपना तो भाई तगड़ा ही काम बन गया भाई, अब तो भाई अपन उसके बंदे को छुड़ा के लेके आ सकते हैं भाई। वेगास गैंग के बंदे को अभी तो आराम से मैं पुलिस स्टेशन से छुड़ा के उठा के लेके आ सकता हूँ। तो चलो यार गाइज अभी टाइम ना वेस्ट करते हो, अपनी गाड़ी भगाता हूँ फटाफट से निकलता हूँ पुलिस स्टेशन की तरफ। ऑल राइट गाइज मैं अपनी गाड़ी को भगाता गाइज पहुंचने वाला हूँ पुलिस स्टेशन पे, और मुझे ना गाइज अपनी गाड़ी को ना कहीं और पार्क करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये पहचान लेंगे कि ये माइकल की कार है तो अपने ऊपर कोई दिक्कत खड़ी हो जाएगी। रुको यार यहाँ पे कुछ पार्किंग है ना भाई, ये बंदा गाड़ी लेके आ रहा था ना इसलिए मैंने देखा। तो यहाँ पे गाइज अपनी पार्किंग है और मैं अपनी गाड़ी को ना यहीं पे लगा देता हूँ। चलो गाइज अभी भाई किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि ये माइकल है भाई, पूरा ही हमने हुलिया ही चेंज कर लिया। हाँ कोई अगर ध्यान से देखेगा ना तो उसको पता चलेगा। चलो यार गाइज अभी फटाफट से चलते हैं, अभी वेगास गैंग का वो बंदा है ना उसको भाई कैसे भी करके छुड़ा के लेके आता है। वो वेगास गैंग का बॉस है ना वो हमसे तगड़ा ही खुश हो जाएगा। और ये भाई एक पुलिस वाला यहाँ पे खड़ा है, रुको भाई थोड़ा अपनी उधर को मुंह करके ना ऐसे चलते हैं भाई ताकि कोई और पहचान ही ना सके। चलो ठीक है गाइस अब मैं यहाँ तक तो बिल्कुल सही आ चुका हूँ, और ये आ चुके हैं हम पुलिस स्टेशन पे। रुको यार अभी मुझे फटाफट से जाना है अंदर की तरफ, जो कि ठीक है भाई किसी ने नहीं पहचाना यार, बड़े सही तरीके से आ गए यार हम, कि और क्या चाहिए भाई। चलो ओ भैंस की यहाँ पे तो गाइस काफी सारे पुलिस वाले खड़े हैं। ठीक है भाई आराम से निकल जाएंगे। आई थिंक किसी ने भी नहीं पहचाना भाई, क्या ही तगड़ा सीन हो गया यार। रुको भाई तो मुझे ना गाइस चेक करना पड़ेगा जेल किसकी तरफ। भाई यहाँ पे तो मिलिट्री वाले भी हैं, यहाँ पे लॉकर रूम यहाँ पे गाइस इन्होंने लिख तो रखा है, बाकी रुको यार लॉकर रूम इधर नहीं भाई इधर तो रूफ पे जाने का, क्योंकि गाइस हमने लास्ट टाइम यहाँ से वो हेलीकॉप्टर चोरी करा था ना तो मुझे याद आ गया। रुको यहाँ से नहीं भाई ये तो लॉक्ड है, तो यही वाला दरवाज़ा है तो यहाँ से चलते हैं अंदर। चलो ठीक है गाइस अभी नहीं यहाँ पे भी नहीं है। चलो गाइज अभी मुझे जाना है नीचे, तो नीचे जाके गाइज यहाँ पे लिखा हो सेल्स ऑफिस प्रोसेसिंग डिस्पैच एंड गैरेज। चलो ठीक है गाइज अभी हमें जाना है फटाफट से नीचे की तरफ। ओके तो गाइज अभी ना सीधा जाके ना गाइज सेल्स है, ठीक है मतलब यहाँ पे सेल्स है, तो यहाँ पे गाइज वो जेल्स है जहाँ पे इन्होंने कैदियों को यहाँ पे बंधक बना रखा होगा। ठीक है ये रही वो मैडम, तो चलो गाइज इससे ना चाबी ले लेते हैं भाई जहाँ पे वो बंदा बंद है। ऑल राइट गाइज मेरे को चाबी मिल चुकी है। वेट यार गाइज ये वेगास गैंग के तो बंदे नहीं है, मगर इस बंदे को क्या हुआ और ये बंदा खांस रहा है, और इस बंदे को पता नहीं क्या हुआ भाई ये मर ही गया और ये खांसी जा रहा है कब से। ओ ये वेगास गैंग का बंदा ये रहा, बाकी ये यहाँ क्या चल रहा है। अबे ये दोनों लड़का और लड़की यहाँ पे डांस कर रहे हैं, अबे मुझे ये पागल टाइप के लग रहे हैं। बट गाइज वेगास गैंग का बंदा ये रहा, और हमने कितनी चतुराई से भाई इसको यहाँ से हम गाइज ले जाएंगे। तो चलो यार गाइज इससे ना सारी की सारी बात कर लेते हैं। तो गाइज इसको मैंने जब बताया ना मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ और मैं वेगास गैंग का ही बंदा हूँ, गाइज ये बंदा ना मेरे ऊपर मान नहीं रहा। ये बंदा बोल रहा है कि तुम मुझे बाहर ले जाके मेरा एनकाउंटर ही ना कर दो। भाई यार मैं इसको कैसे बताऊँ भाई, ये ना मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। तो चलो यार गाइज
इसको ना भाई अभी कैसे कैसे करके तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो गाइस मैंने इसको ना भाई मना लिया, मैंने इसको बोला बस ठीक है तू, मैं तेरे हाथ नहीं बांधूंगा बट तू ना भाई मेरे बस पीछे पीछे आ जा। तो चलो गाइस ऐसे तो ये बंदा मान चुका है, बाकी ना भाई मैं इनको बोल रहा हूँ कि ये कैदी को हम लेके जा रहे ताकि हम इसको थोड़ा सा पनिश कर सके। तो ठीक है भाई ये तो वैसे क्या ही बोलेंगे क्योंकि हमारे जो कपड़े है ना उस पे हमारी पोस्ट जो है ना वो ज्यादा ऊंची है। चल भाई आजा आजा फटाफट से आजा, मैं तेरे को कहीं मारने वारने नहीं वाला, बस मैं तेरे को यहाँ से निकालने आया हूँ। देख रहे हो भाई हमने कितने प्यारे तरीके से उस बंदे को बाहर निकाल लिया है। तो चलो गाइस यार ठीक है भाई बड़े ज्यादा आसानी तरीके से हमने भाई इस बंदे को बचा लिया। बट गाइस मुझे ना यहाँ पे थोड़ी टेंशन हो रही है क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले और सामने मिलिट्री वाले भी खड़े हैं, अगर मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी ना तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। बस भाई तू ना थोड़ा ध्यान से आइयो, बस तू ऐसे बताइए कि मैं तुझे पूछताछ के लिए लेके जा रहा हूँ। चलो गाइस यार ये बंदा मान चुका है, बाकी ठीक है गाइस अभी मुझे ना यहाँ से थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। भाई बिल्कुल ध्यान से आइयो, ठीक है भाई बंदा चौड़ में चल रहा है, तेरी ऐसी की तसी मन तो कर रहा है कि मारूं तेरे लाफड़ खींच के, बंदा चौड़ में चल रहा है। चलो गाइस बहुत आसानी से मैं बाहर तो आ चुका, बस थोड़ा सा डर है भाई क्योंकि गाइस इनका कोई भरोसा नहीं है, बंदे दो खड़े हैं मतलब तीन तीन चार चार खड़े हैं, मेरा सीधा हेडशॉट भी बजा सकते हैं। चलो गाइस हमने भाई फेक कपड़ों के साथ ही कितना बड़ा काम कर दिया। अबे भाग भाई अभी थोड़ा सा, ओ नहीं 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 भाई यहाँ पे भी काफ़ी सारे पुलिस वाले खड़े, अगर मैं ऐसे भागूंगा ना तो उनको मेरे पर शक पड़ सकता है। सामने जो हमने प्राइवेट पार्किंग दिख रही है ना वहाँ पे हमने अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को पार्क करा है। भाई भाग के आना भाई, क्या कर रहा है ये बंदा यार। चलो गाइस ठीक है यहाँ पे ना गाइस अभी थोड़ा सा भाई यहाँ से दूर चल, एक यार पुलिस वाला यहाँ पे भी खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार ना मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ ना मेरे दिल से और मेरे दिमाग से सारी टेंशन दूर हो जाएगी। भाई जल्दी आना, कैसे चौड़ में चल रहा है, मन तो कर रहा है बल्ला निकाल के इसके मुंह पे मारूं, अभी चौड़ में चलने का टाइम है क्या। चल ठीक है गाइस अभी हम यहाँ से तो आ चुके थोड़ा आगे, और चल भाई फटाफट से आजा भाई अब चलते हैं गाइस अपनी लैम्बोर्गिनी सियान के पास। चलो चलो गाइस अभी हम यहाँ से तो भाई बहुत सही तरीके से यहाँ पे आ गए। अबे भाग के आ भाई, क्या ही बंदा चल रहा है भाई, पूरी चौड़ में चल रहा है। ठीक है भाई अभी मुझे तुम लोगों की जरूरत है ना इसीलिए तुम चौड़ दिखा रहे हो। चलो गाइस अभी जितनी जल्दी हो सके ना मुझे ये पुलिस वाले कपड़े भी चेंज करवाने पड़ेंगे ताकि भाई किसी को पता ना चल जाए हमने इतना बड़ा काम कर दिया। अभी आया भाग के, चल चल भाई जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ। अभी मैंने ना गाइस इसको कैसे भी करके बचा तो लिया है, अभी भाई कोई दिक्कत ना खड़ी हो जाए, बस अभी बेलास गैंग के बंदे अभी ना भाई हमको ढूंढ वूंढ ही ना ले, नहीं तो भाई बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी क्योंकि अगर बेलास गैंग ने मुझे ढूंढ लिया ना, वैसे ही हमने बेलास गैंग का इतना बड़ा सीन करा है और जब उसने देख लिया ना कि वेगोस गैंग का मेरे साथ बंदा घूम रहा है, भाई बेलास गैंग के बंदे आग से पागल हो जाएंगे, सही में वो बहुत खतरनाक सीन खड़ा कर देंगे। तो चलो गाइस यार अभी जो बॉस ने दो काम कहे थे ना अभी वो करने, अभी मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ और फटाफट से पहले तो गाड़ी को कलर करवाने के लिए चलता हूँ क्योंकि येलो कलर में हमें ये वाली गाड़ी को कलर करवाना पड़ेगा, उसके बाद हमको कपड़े खरीदने पड़ेंगे। तो चलो यार गाइस अभी फटाफट से चलते हैं किसी लॉस सैंटोस कस्टम्स में। ऑलराइट गाइस मैं अपनी गाड़ी को भाई साहब भगाता पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस कस्टम्स में, और भाई यहाँ पे ना फटाफट से गाड़ी अंदर लेके चलते हैं और इसको ना पेंट करवाते हैं पूरा येलो कलर में। ऑलराइट गाइस अपनी लैम्बोर्गिनी सियान अभी येलो इस कलर में हो चुकी है, भाई पूरा ही एक घंटा लग गया सारे के सारे कलर को चेंज करने में। और गाइस आप लोग देख रहे हो लैम्बोर्गिनी सियान ना भाई मतलब येलो कलर में क्या ही मस्त लग रही है। अब से ना गाइस हमको यही कलर में अपनी पर्सनल व्हीकल को लेके रखना पड़ेगा जब तक हम भाई वेगोस गैंग में ज्वाइंट है। अभी तो भाई अपनी गाड़ी का कलर भी चेंज हो चुका है, मतलब अभी मैं थोड़े टाइम तक अपने कपड़े भी चेंज करने वाला हूँ। तो बेलास गैंग तो भाई मुझे नहीं पहचान पाएगी, उनको लगेगा कि ये सिंपली कोई वेगोस गैंग का बंदा है, तो अपने लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ठीक है, बट जब हम लड़ने के लिए बेलास गैंग के साथ गैंग्स लेके जाएंगे ना वो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलो यार गाइस अभी यहाँ पे ना एक थोड़ा सा आगे जाके क्लोथ स्टोर है, वहां से ना भाई येलो कलर की टी शर्ट ले लेते हैं। तो गाइस ये आ चुका है अभी क्लोथ स्टोर, अभी फटाफट से पुलिस वाले कपड़े छोड़ के ना अभी फटाफट से भाई साहब लेते हैं वेगोस गैंग के कपड़े। तो चलो यार मैं जल्दी से जाके ना भाई कपड़े खरीद लेके लाता हूँ। ऑल राइट गाइस भाई अब बन चुके हम पूरे के पूरे वेगोस गैंग के बंदे, आ जा भाई अभी फटाफट से भाई अभी ना सीधा जाके अभी हमें बात करनी है बॉस से और उसको ये वाली गाड़ी भी दिखानी है, और माइकल भी भाई अभी बन चुका है पूरा का पूरा वेगोस गैंग का बंदा। हाँ जा भाई अभी फटाफट से, आज से मेरी भी लाइफ स्टार्ट होने वाली है गैंग मेंबर की, भाई अब आने वाला है ना मजा।
अब तो भाई बेलास गैंग की आज तो खैर नहीं गाइस, आज तो ये सारी की सारी बेलास गैंग को ना हम सारे वेगोस गैंग के बंदे खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो आज तो गाइस खतरनाक ही मजा आने वाला है। तो चलो यार गाइस, अभी मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ, फटाफट से निकलता हूँ वेगोस गैंग के अड्डे के लिए। ऑल राइट गाइस, मैं अपनी गाड़ी को भगाता गाइस पहुंचने वाला हूँ वेगोस गैंग के अड्डे में। गाइस वहां पे जाके ना ये जो इसका बॉस है ना वो अपन से बहुत ज्यादा खुश होने वाला है। बाकी हाँ गाइस एक काम करते हैं, गाइस एक काम मुझे ये करना पड़ेगा कि अपनी ये जो गाड़ी है ना मुझे इसको साइड पे पार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अपन ना भाई अगर फाइट करने के लिए जाएंगे ना तो ये गाड़ी तो मैं लेके जाने ही नहीं वाला, कत्ते भी नहीं जाने लेके जाऊंगा। और ये गाड़ी को ना एक काम करते हैं, सामने ना भाई एक पार्किंग दिख रही है वहां पे इसको पार्क कर देते हैं, क्योंकि ये गाड़ी भाई मैं बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। तो मैं इसको ना भाई सब इधर ही पार्क कर देता ताकि भाई अपनी गाड़ी बिल्कुल सेफ रहे यार, गाड़ी को कुछ ना हो। चल भाई आजा मेरे पीछे पीछे, अभी तेरे को तेरे बॉस के पास लेके चलता हूँ। बाकी फिर से पूछता हूँ इसका बॉस किधर, आई थिंक अभी भी हवा ही खा रहा होगा, एक बार बात करता हूँ। ऑलराइट गाइस, ये कह रहा है कि बॉस अभी भी ऊपर ही है, वो हवा खा रहे हैं। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, उसको हवा खाने दो। आजा भाई तू बस मेरे पीछे पीछे आ, तेरे को तेरे बॉस से मिलवा देता हूँ। चलो गाइज वो तो आ ही जाएगा यार, उसमें क्या, ओके ओके आ रहा है, वो नीचे ही आ रहा है। चलो ठीक है गाइज, अभी चलते हैं जल्दी जल्दी ऊपर, अभी जो बॉस है ना भाई वो बंदा बहुत ज्यादा खुश होने वाला है कि हमने भाई उसका एक बंदे को हम ऐसे करके छुड़ा के लेके आ चुके हैं। वो बॉस इसका बहुत ज्यादा हैप्पी होने वाला है माइकल से, और माइकल को डिक्लेयर कर देगा ऑफिशियली वेगोस गैंग का मेंबर। चलो गाइज हम पहुंच चुके हैं भाई ऊपर की तरफ, आ जा मेरे भाई ऊपर जल्दी से। तो गाइज अभी फटाफट से ना इसके बॉस से बात कर लेते हैं, आ जा भाई। तो गाइज 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 ये जो बॉस है ना भाई ये मेरे से बहुत ज्यादा खुश हुआ है, और इसने गाइज मेरे को बोल दिया कि माइकल तुम आज से बल्कि अभी से इस वेगोस गैंग के ऑफिशियली मेंबर डिक्लेयर किए जाते हैं। और मैंने गाइज इसको बोल दिया कि मेरी बेलास गैंग के साथ बहुत बड़ी फाइट चल रही है, बट गाइज अभी ये जो बॉस है ना ये बोल रहा है कि अभी के लिए तुम मैं अपने साथ सात बंदे ले जाओ, मतलब तुम आठ बंदे जाओ वहां पे बेलास गैंग से एक बार बात करो, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे एक कॉल कर देना जब तुम्हारी फाइट हो गई ना, मुझे सिर्फ एक कॉल कर देना, यहाँ से भाई गाड़ियां भर भर के बंदे भेज दूंगा। ये बोल रहा है कि यहाँ से गाड़ियां भर भर के वेगोस गैंग के बंदे सीधा बेलास गैंग के अड्डे में भेज दूंगा, अभी के लिए तुम सिर्फ अपने साथ आठ बंदे लेके जाओ। चलो ठीक है गाइस, अभी के लिए मेरे साथ ये पांच बंदे चल रहे हैं और तीन दो बंदे हमको नीचे से उठाने हैं। तो गाइस 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 इधर ना भाई सब के सब ऐसे भागने लग चुके हैं कि अभी मतलब सारे के सारे अपनी ट्रेनिंग करने लग चुके हैं कि ऐसे करके हमको वहां पे जाके फाइट करनी है और कैसे भी करके इन बेलास गैंग के बंदों को मारना है। देख रहे हो भाई बंदे सारे के सारे यहाँ पे अपनी मतलब दिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दिखा रहे हैं। चलो ठीक है भाई तुम लोग ट्रेनिंग बाद में दिखाना, अभी मेरे साथ चलो भाई, अभी मुझे दो बंदों को और नीचे से उठाना है, बाकी ये सारे बंदे तो मेरे साथ चलेंगे चलेंगे, बाकी और दो बंदों को मुझे नीचे से उठाना है। ऑल राइट गाइस, सारे के सारे बंदे भाई साहब अभी आ चुके हैं। अभी गाइस ये जो सामने आप लोग को दो वैंस दिख रही है ना, फटाफट से हमको जाना उस वैंस के अंदर बैठना है दोनों सबको, और उसके बाद गाइस बेलास गैंग के साथ फाइट करने के लिए चले जाना है। तो भाई हम यहाँ से ही बाहर निकलते हैं, क्यों इन सबको तंग करना। बाकी ना गाइस आप लोग देख पा रहे हो कईयों के पास गन है और कईयों ने भाई अपनी गन अंदर रखी हुई है। भाई सात बंदे मतलब आठवां मैं, हम आठों जा रहे हैं भाई बेलास गैंग के साथ पंगा लेने, और अगर बेलास गैंग के साथ अपनी ज़्यादा लड़ाई हो गई और ये बंदों को अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अगर थोड़ी सी लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसके बॉस ने बोला है कि मुझे फ़ोन मारना, मुझे फ़ोन लगा देना, उसके बाद सारे भर भर के बंदे आएंगे इधर से, पूरे भर भर के ट्रक्स गाड़ियाँ आएंगी भाई बेलास गैंग के साथ लड़ने के लिए। तो चलो यार ठीक है, अभी फटाफट से मेरे पास तो काफी सारे गन्स हैं, और जिनके पास गन्स नहीं थे उनको मैंने निकालने को बोल दिया है, तो सबने अपनी अपनी गन्स बाहर निकाल लिया है। तो चलो यार गाइस अभी ये जो दो वैंस है ना इस पे हमको जाना है, फटाफट से बैठते ही नहीं दो वैंस के अंदर सारे के सारे बंदे। ऑल राइट गाइस, सारे के सारे बंदे भाई गाड़ियों में बैठने के लिए रेडी हो चुके हैं, और देख रहे हो भाई उधर पीछे भी बैठ चुके हैं सारे बंदे, और इधर हमारे बंदे भी बैठ चुके हैं इसी वैन के बीच में। ऑल राइट गाइस, चलो यार अभी फटाफट से निकलते हैं, आ जा भाई आ जा आ जा। गाइस यार अभी ना फटाफट से निकलते हैं भाई साहब बेलास गैंग के अड्डे पे। अभी गाइस पहले तो अपने साथ सिर्फ आठ ही बंदे जा रहे हैं, क्योंकि भाई उसके बॉस ने बोला है अगर वहां पे सिचुएशन ज्यादा खराब हो गई ना तो तुम मुझे एक फोन मारना, भाई बंदे तो इतने सारे आ जाएंगे ना बेलास गैंग पागल हो जाएगी। तो चलो ठीक है, आज तो गाइस जो बेलास गैंग अपने आप ऊपर चढ़ रही है ना उनका सारा घमंड तोड़ने के लिए जा रहे हैं। आजा भाई फटाफट से वैन लेके मेरे पीछे पीछे आजा,
भाई अब तो अभी हम 8 बंदे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर सिचुएशन खराब होगी तो भाई बॉस तो है ही ना, बॉस को एक फोन मारेंगे भाई सारे के सारे बंदे आ जाएंगे। अबे थोड़ा जल्दी चला ले भाई, क्या कर रहा है धीरे धीरे चला रहा है। चलो तो गाइस यार ये भी आ चुका है अभी मेरे बिल्कुल साथ साथ, तो फटाफट से ना गाइस अभी अपनी वैंस को लेके सीधा पहुंचते हैं बेलास गैंग के अड्डों के लिए। ऑल राइट गाइस, हम ना भाई बेलास गैंग के अड्डे के थोड़ा सा पास आ चुके हैं और हमने ना गाइस यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ यहीं पे पार्क लगा दी है ताकि भाई बेलास गैंग को ना दूर से अपनी गाड़ियाँ ना दिख सके। अगर उनको दूर से ही अपनी गाड़ी दिख गई ना तो वो पागल हो जाएंगे, क्योंकि बेलास गैंग के सबसे बड़े दुश्मन वेगास गैंग है और दूसरे नंबर पे लॉस गैंग है। इसीलिए गाइस अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। बाकी मैंने अपनी यार गन भी बाहर निकाल ली है, अभी गाइस अपन को बस धीरे धीरे जाना है और मैं थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे बैठ बैठ के चलता हूँ गाइस, क्योंकि एक मिनट यार अभी नीचे बैठने की क्या ही जरूरत है, थोड़ा सा पहले आगे चलते हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ गाइस, ये जो बेलास गैंग है ना वो इसके पार है। ओके भाई अभी ये कूद के आएंगे भी या नहीं, भाई कितने कैसे लोग है भाई, देखियो कूद के भी नहीं आए वो तो। चलो कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे से अपन चलते हैं। भाई सारे के क्या मेरा साथ छोड़ के चले गए यहाँ पे, मैं अकेला ही रह गया हूँ भाई। ओके तो ये आ चुके बेलास गैंग के बंदे। रुकियो जरा गाइस, फोर है बेलास गैंग के बंदे, और गाइस इन्होंने देखा क्यों नहीं भाई इनको, वेट अ मिनट भाई, शायद उनकी ना हमारे पे अभी नजर गई नहीं है तो उन्होंने मुझे देखा नहीं है शायद। अपने सारे बंदे आ चुके हैं ना भाई, चलो ठीक है गाइस सारे के सारे बंदे आ चुके हैं अभी। चलो गाइस अभी ना यहाँ पे ले जाके ना थोड़ा सा कवर लेते हैं पहले तो। ऑल राइट गाइस यहाँ पे ना भाई अभी फाइट जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है भाई, सारे के सारे बंदे लड़ने लग चुके हैं और वेगास गैंग का एक बंदा मतलब एक मेंबर जा चुका है। भाई रुकियो जरा, तुम्हारी ऐसी की जैसी निकल यहाँ से। गाइस तो भाई तगड़ी फाइट स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे देख रहे हो भाई सारे के सारे बेलास गैंग के बंदे आ चुके हैं भाई हमको मारने के लिए। अबे तुम भाई सारे वेगास गैंग के बंदे मर गए, ओ भाई गाइस मुझे थोड़ा सा यहाँ से भागना पड़ेगा भाई, सारे के सारे वेगास गैंग के बंदे मर चुके हैं और मुझे ना अभी जल्दी जल्दी बॉस को कॉल करना पड़ेगा। सारे में सारे बंदे आ रहे भाई मेरे को ही खत्म करने। भाई क्या हो रहा है यार, ये सारे के सारे बंदे गाइस मेरे पीछे लग चुके हैं। रुको। तो गाइस भाई इधर तो हर जगह से पड़ रही है पे, हो भाई अबे यार गाइस ये क्या हो रहा है भाई, बेला गाइस देख रहे हो भाई ये बेलास गैंग कितनी ज्यादा पावरफुल है और मैंने गाइस कॉल लगा दिया बॉस को, भाई पता नहीं कब तक बंदा बंदों को भेजेगा। वेट ये बेलास गैंग किसी के साथ लड़ रही है, रुकियो जरा भाई ये वेगास गैंग के बंदे आई थिंक आ चुके हैं। ओ भाई गाइस यार मैंने आर्मर पहन रखा है इसीलिए हम बच रहे हैं, बट भाई ये आरपीजी चला रही तेरी ऐसी की जैसी, रुकियो जरा चल तेरी निकल यहाँ से। गाइस यार अलग ही लेवल का सीन हो रखा है भाई यहाँ पे तो, क्या ही भाई बंदे हैं यार। तो गाइस इनसे ना लड़ते मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और मैंने बॉस को कॉल भी कर दिया, पता नहीं बंदा भाई कब बंदे भेजेगा। रुको तुम्हारी ऐसी की जैसी, तुम लोग के लिए तो मैं वैसे अकेला काफी हूँ बट भाई ये जो गैंग है ना भाई बहुत बड़ी, और देख रहे भाई कितने बंदे आ गया। अबे यार रुको मुझे ना भाई किसी ऐसी जगह पे छुपना पड़ेगा, और ये वेगास गैंग के बंदे कब आएंगे भाई जब तक ये वेगास गैंग के बंदे नहीं आते ना तब तक तो भाई ये सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है संभाल लेंगे। वेट ये मार किसको रहे हैं, रुकियो जरा मुझे क्या गाइस ऐसे क्यों लग रहा है कि भाई वेगास गैंग के बंदे आ चुके हैं। गाइस यहाँ पे भी कुछ फाइट की आवाज तो आ रही है, रुकियो जरा मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई वेगास गैंग के बंदे आ चुके हैं। रुको जैसे मैंने बॉस को कॉल किया था भाई वेगास गैंग के बंदे आ चुके हैं भाई। ओके मैं भक्त यहाँ पे आ चुका हूँ। ओके गाइस वेगास गैंग के बंदे यहाँ पे आ चुके हैं बट काफी बंदे भाई बिना मतलब के यहाँ पे और मरते ही जा रहे हैं, क्योंकि गाइस ये ना भाई बेलास गैंग के बंदे इधर भी हैं। चल ठीक है जितने भी बंदे आते जा रहे हैं मैं उनको अकेला भी खत्म करता जाऊंगा। बाकी भाई यहाँ पे वेगास गैंग के बंदे भी लगे पड़े हैं। ओ वेट भाई बच गए, लकीली बचा तुम्हारी ऐसी जैसी, मार भाई तेरी आज। भाई क्या ही गन यूज कर रही थी ये लड़की। यहाँ पे तो गाइस वेगास गैंग के बंदे आने शुरू हो चुके हैं और मर भी रहे हैं भाई, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यहाँ पे गाइस वेगास गैंग के बंदे आ रहे हैं भाई, यार कैसे मार रहे बंदा। ओ भैंस की तेरी, तूने मेरे वेगास गैंग के दो बंदे मार दिए भाई, क्या कर भाई ये बेलास गैंग ना इतनी ज्यादा बड़ी है ना भाई मैं आप लोग को क्या ही बताऊं। बट गाइस वेगास गैंग भी थोड़ी ठीक है, मतलब इनको टक्कर तो देती है बट गाइस बेलास गैंग इतनी बड़ी है ना, लॉस सैंटोस की 20% पॉपुलेशन आप मान सकते हो बेलास गैंग में ज्वाइंट है, इतनी बड़ी बेलास गैंग है। बट फिर भी गाइस कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रुको एक सेकेंड, चल तेरी निकल यहाँ से भाई, ये एक बंदा यहाँ पे छुप के मार रहा है। आ जाओ वेगास गैंग के बंदो, आ जाओ भाई मेरे साथ चलो,
हम इनको कैसे भी करके खत्म तो करेंगे ही करेंगे भाई। एक यहाँ पे छुप के बैठा है, चल तेरी, तू भी निकल। तो गाइस अभी ना भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा छुप के भाई इनको खत्म करना पड़ेगा। एक गाइस यार ये जो फाइट है ना भाई बहुत गंदा रूप लेके जा चुकी है। बाकी ना भाई अपने साथ वेगास गैंग के बहुत सारे बंदे अपने साथ है, अभी भाई हम किसी को छोड़ने नहीं वाले। देख रहे हो भाई मतलब मैंने बॉस को एक कॉल क्या किया, बंदे ने कितने सारे वेगास गैंग के बंदे भेज दिए। ये होती है भाई अपनी जिंदगी क्या ही, मतलब ये होता है अपना बढ़िया चीज। और यहाँ पे भी बंदे हैं, रुको, इनको तो भाई मैं तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ। भाई आरपीजी से उड़ा दिया, तेरी ऐसी की तैसी आरपीजी मारी बंदे ने, आरपीजी मार के। ओ भाई आरपीजी मार कौन रहा है, एक सेकंड रुको, आरपीजी वाले को तो मैं ही पकड़ता हूँ। अब मार दिया भाई मैंने, आरपीजी वाले को भी मार दिया, पर ठीक है भाई वेगास गैंग के बंदो लग जाओ, तेरी ऐसी की तैसी, ये इनका कुत्ता भी भाई मेरे को मार रहा है, रुक तेरी। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं है भाई, ओए भाई पागल है क्या, तेरी ऐसी की तैसी, रुक तेरी, अब तेरे को मैं आग बुझवाता हूँ, रुक भाई। आते ही बंदे ने यहाँ पे मेरे वेगास गैंग के बंदों को मार दिया, निकल यहाँ से पैंस की तेरी। गाइस यार यहाँ पे अभी भी बंदे खत्म नहीं हुई है, बहुत सारे बंदे अभी भी, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपन भाई सबको खत्म करके ही यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस यहाँ पे बंदे तो हैं भाई, यहाँ पे गाइस बंदे तो हैं, पर हम ना भाई हमारे सामने वो आ नहीं रहे। बाकी साथ देख रहे भाई कितने वेगास गैंग के बंदे आ चुके अपना साथ देने के लिए। भाई ये जा कहाँ रहे हैं, मुझे लग रहा है ना ये गाइस पूरा का पूरा ये अड्डा साफ करवा के रहेंगे। और मुझे अभी आवाज आई है भाई ये वेगास गैंग की, रुकियो। ओह ये बंदा किधर आया था भाई, ये जानबूझ के आया था क्या, एक मिनट रुकियो इसको बाहर निकाल, इसने जानबूझ के मेरे को नीचे दिया है, रुको तेरी ऐसी निकल यहाँ से, बंदे ने जानबूझ के नीचे दिया। अबे ओ साइड उधर सारे के सारे, भाई क्या हो रहा है गाइस, अभी और भी निकल के आने लग गया यार ये। पर मेरे साथ में ना गाइस वेगास गैंग के बंदे तो हैं, बट भाई एक सेकंड रुके, ये ना उनका गाइस अड्डा है और जानबूझ के मुझे लग रहा है ना वो छुप के बैठे हुए हैं। एक सेकंड तेरी ऐसी की तैसी, नीचे तो आ गाइस, रुको भाई ये ना कुछ ज्यादा ही अपने साथ ना खेल मखौल कर रहे हैं। रुको अभी रुको, पहले तो ये गेट को ओपन करने दो और मुझे निकालने दो गाइस बड़े वाली गन। भाई अब आने दो इनको, कौन आ रहा है, ओके ये आ रहे हैं भाई। नहीं अभी कहाँ खत्म हो गए भाई, अभी कहाँ ये खत्म हो जाएंगे। मैंने गाइस आप लोग को बोला था ना वेगास गैंग के अंदर ना लॉस सैंटोस की 20% ऑडियंस 20% पॉपुलेशन है, तो मतलब ना गाइस ये वेगास गैंग बहुत बड़ी है और हमको ना या तो गाइस ये हर जगह से हमको लपेटना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुको बट भाई ये तो अपना ही बंदा है, रुको मैंने गन गलत ही चला दी, बट रुको तो सही भाई, ये ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। ये देखो ये आ रहे हैं अभी ना गाइस, मेरे वेगास गैंग के बंदों ने ना ये सब कुछ सही कर रखा है। भाई रुक तेरी है, नहीं ये तो अपने ही है यार, एक तो पहचान में भी नहीं आते। बट गाइस यार सीन तो भाई, एक सेकंड ये आ रहे हैं भाई, तेरी ऐसी की तैसी पीछे से आके मार रहा है। रुक किधर जा रहा है बेटे, इधर आ पहले तो। रुको गाइस ये ना पीछे से आके मार रहे हैं तेरी, भाई इन्होंने ना जानबूझ के ये रास्ता चूज किया है ताकि ये यहाँ से आके हमको चारों तरफ से लपेट सके, बट ऐसा मैं कुछ होने नहीं दूंगा। और इनको भाई कैसे भी करके ना मुझे यहाँ से खत्म करना है। रुको भाई ये ना गाइस मेरे वेगास गैंग के बंदों पे भारी तो पड़ रहे हैं, एक बंदा यहाँ पे मर गया है, रुको यार। और भाई अपने टीम पे अभी बंदे मरते जा रहे हैं, वे क्यों, रुको गाइस यार मुझे ही कुछ करना पड़ेगा नहीं तो सारी वेगास गैंग मर जाएगी भाई यहाँ पे। रुको मुझे ना थोड़ा इधर से जाके देखना पड़ेगा, तेरी ऐस की तैसी एकदम से सामने आ गई, चल निकल। गाइस यार ये देखो भाई ये छुप के बैठे हुए हैं ताकि ये हमको हर जगह से घेर सके। वेट भाई रुको चल तेरी ऐस की तैसी, तू भी निकल। गाइस ये ना इधर की तरफ छुप के बैठे हुए हैं सारे के सारे बंदे, रुको मैं हूं ना अपनी वेगास गैंग को मैं बचाऊंगा। भाई ये पीछे से आके मेरे वेगास गैंग के बंदों को तो नहीं मार रहे यार, मुझे वो भी देखना पड़ेगा। और गाइस वेगास गैंग के ना बंदे बहुत ज्यादा कम रह गए हैं, भाई ये कैसे मर गए इतने सारे बंदे, देख रहे हो सबकी लाशें पड़ी हुई है यहाँ पे। ओके मारना इसको यार, ये लड़की तो है भाई, क्या कब से वेट कर रहा है। गाइस यार रुको गाइस यार वेगास गैंग के बंदे सारे खत्म हो चुके हैं भाई, मैं अकेला बचाऊं। रुको भाई मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, वेगास गैंग का ये बंदा भी बाकी है और जो के वो भी मर चुका है भाई। गाइस
बॉस ने क्या सारे बंदे भेज दिए थे या फिर थोड़े मोटे भेजे थे? एक बार कॉल करता हूँ बॉस को दोबारा से। ऑलराइट गाइस, मेरी जो है भाई बॉस से बात हो चुकी है। बॉस बोल रहा है कि मेरे पास जितने भी बंदे थे ना, उनमें से मैंने 50% बंदे तुम्हारे उधर भेज दिए थे। और गाइस इधर तो भाई 50% तो सारे मर गए। मैंने जब बॉस को बताया ना भाई, वो बहुत गुस्सा हो गया मेरे पे। वो मेरे को बोल रहा है कि भाई तूने ये क्या कर दिया, तूने मेरे इतने सारे बंदे मरवा दिए। कम से कम उसने गाइस 60 से 70 बंदे भेजे थे अपने हमारे से हमारी हेल्प करने के लिए, और वो मेरे से बहुत ज्यादा गुस्से। उसने बोला कि तुमने इतने सारे बंदे मरवाए तो मरवाए क्यों? अबे रुको यार गाइस, ये भाई अलग ही लेवल का सीन हो गया यार। गाइस यार रुको रुको, मुझे ना भाई यहाँ से कोई ना कोई गाड़ी लेके भागना पड़ेगा, नहीं तो भाई अपने ऊपर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। रुको यार, कोई कौन सी गाड़ी लेके भागू? अबे सारी की सारी वैन सी पड़ी है क्या यहाँ पे? सुपर कार ही नहीं मिल रही गाइस मेरे को यहाँ पे। अबे यार गाइस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अकेला बाकी रह गया था। ये जानबूझ के किया ना इसने गाइस, मैं अकेला ही बाकी रह गया था और मेरे को अभी भी गोली पड़ रही है। रुको यार गाइस, ये ना भाई अभी मुझे एक सेकंड रुकियो, किधर से मार रहा है तेरी भैंस की टांग। बट गाइस इनसे मैं इसीलिए डर रहा हूँ क्योंकि ये ना गाइस है भी बहुत सारे, अगर पड़ते ना पीछे तो गंदा ही पीछे पड़ जाते। रुको रुको रुको, मुझे ना गाइस यहाँ पे एक सेकंड रुको, मुझे यहाँ पे एक बाइक दिख रही है। वो क्यों ना भाई वही बाइक लेके यहाँ से निकलते हैं। तुम्हारी ऐसी की ऐसी भाई, इनको मैंने जाते जाते 2-3 बंदों को तो मैंने मार ही दिया। बट ठीक है गाइस, अभी ना हम इनसे दूर तो आ चुके हैं। पर गाइस जो वेगास गैंग का बॉस है ना, वो मेरे से इतना ज्यादा गुस्से हो चुका है ना, अगर मैं वहां पे जाऊंगा ना शायद मेरे पे वो अटैक ही ना करवा दे। गाइस यार मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे मेरी क्या गलती है भाई? मैंने थोड़ी ना बोला था, तुम्हारी ही वेगास गैंग बहुत ज्यादा टट्टी है भाई। मेरी क्या गलती थी यार भाई? वो तो आराम से जाके वहां पे मर गए यार, मेरी क्या गलती थी? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। देखा था आप लोगों ने गाइस, वेगास गैंग के बंदे घरों घरों में से निकल के आ रहे थे। मैंने आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, लॉस सैंटोस में जितनी भी पॉपुलेशन है ना, उसके 20% पॉपुलेशन सारी की सारी वेगास गैंग के अंदर है भाई। वेगास गैंग बहुत बड़ी है गाइस, ऐसे इनसे पता नहीं हम कैसे छूटेंगे भाई। ये तो माइकल को जब तक खत्म ना कर देंगे भाई, मौत ना दे देंगे माइकल को, तब तक तो भाई अपना पीछा छोड़ने नहीं वाले। बाकी ना चलो गाइस यार, मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाओ भाई, मैं अपने बाइक को भगाता भगाता आ रहा था और गाइस ये ना भाई मेरे पीछे लग चुके। अभी मुझे लग रहा है कि ये ना गंदा ही मेरे पीछे बाइक्स वगैरह लेके लग चुके हैं। रुको यार एक मिनट रुकियो, मुझे पहले एक बार चेक करने दो, ये वेगास गैंग के ही बंदे थे ना। ओ भाई भाई, ये तो वेगास गैंग के बंदे और ये गाड़ियां लेके आ चुके हैं। वेट यार भाई, ये तो मेरे पीछे गंदा ही पड़ चुका है, देख रहे भाई? अबे यार मैं जितना भाई अभी कैसे छूटूं यार इनके हाथ से, यार कैसे करूं भाई? ये तो गंदा ही भाई अपने पीछे लग चुके हैं। वेट अ मिनट, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे भाई मैं इनसे पीछा छुड़वा सकूं, नहीं तो भाई अपने लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है यार। ये तो कुछ ज्यादा कर रहे हैं भाई ये, अब ना यार इनका कुछ ज्यादा हो रहा है। तुम्हारी ऐसी ऐसी, पहले तो तू आ भाई, मेरे सामने गाड़ी लेके आके खड़ी कर दी इसने। रुको यार भाई, इनका अपना ज्यादा हो रहा है गाइस, सही में बता रहा हूँ, अभी इनका ज्यादा से भी ज्यादा हो रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैं जैसे तैसे भी भगता जा रहा हूँ। बट गाइस ये ना भाई अभी गंदी फाइट हो रही है भाई, हर जगह से पड़ रही है मेरे को। और मैंने ये बढ़िया कि अपना एक बहुत तगड़ा आर्मर पहन रखा है भाई, इसीलिए मैं बचा पड़ा हूँ, नहीं तो भाई हर जगह से पड़ रही है मेरे को। भाई यार ये क्या हो रहा है भाई? गाइस ये जो पीछे अपने, अब गाइस बाइक को आग लग चुकी है भाई, इन्होंने क्या ही मारा बाइक को, पूरी बाइक को आग लग चुकी है। और गाइस बाइक काम करना बंद हो चुकी है। रुको भाई, बाइक गई, रुको, बाइक गई भाई, इन्होंने जानबूझ के बाइक में ही मारा है ताकि बाइक चली जाए। पर तुम्हारी ओ गाइस पूरी की पूरी बाइक चली गई और बंदे देख रहे हो गाइस कितने ज्यादा आते जा रहे हैं यार मेरे को खत्म करने के लिए। और गाइस ये ना भाई अभी अपने लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है भाई। भाई मुझे कैसे भी करके एक बार इनसे भगना पड़ेगा। रुक तेरी भैंस की, गाइस ये क्या हो रहा है भाई? माइकल को तो ये आज खत्म कर देंगे भाई ऐसे इस हालत में। देख रहे हो भाई बाइक पूरी, फिर से बाइक को आग लगा दी इन्होंने गाइस। भाई क्या हो रहा है यार ये गाइस? बच गया भाई लिटरली। गाइस आज क्या हो रहा है मेरे साथ यार? भाई ये तो गंदी, रुक तेरी भैंस की, पहले तो तू निकल। गाइस यार ये तो भाई बहुत गंदी वेगास गैंग यार। रुको गाइस मुझे कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा। गाइस यार ये तो अपने पीछे गंदा ही पीछे पड़ चुके हैं। रुको यार भाई, मैंने नहीं सोचा था यार ये इतने ज्यादा हो गए। रुक तेरी भैंस की, पहले तो तू निकल। भाई ये जो व्हीकल है ना, इसके बीच में जो खतरनाक ये वेपन लगा हुआ, भाई बच गया भैंस की तेरी। रुक अब तो आरपीजी निकालता हूँ। रुको भाई, इनके मैंने जब इनसे लड़ रहा था ना, तो मुझे इनके किसी बंदे से मुझे आरपीजी मिल गई थी। अब भाई आरपीजी सही करता हूँ कुछ ना कुछ, और मेरे पास सिर्फ 10 ही आरपीजी है, ज्यादा नहीं है।
तो मुझे थोड़ा सा ध्यान से ही चलाने पड़ेगी आरपीजी। भाई गाइस यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो चुकी है। रुक तेरी पैस की फक। गाइस आई थिंक ना गाइस ये मुझे ना ढूंढ नहीं पा रहे और मैं ना भाई यहाँ पे छुप के तो बैठ चुका हूँ और ये हर जगह पे मेरे को ढूंढ रहे हैं और जो कि मुझे ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। ये देखो ये सारे के सारे बंदे गाइस मुझे ढूंढने में लगे पड़े पर तेरी ऐसी जैसी। चलो चलो गाइस चला गया वो और ये सारे के सारे बेलास गैंग के बंदे ना माइकल को हर जगह पे ढूंढ रहे हैं। गाइस मुझे छुपने की कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी और मुझे फटा भाई वेगोस गैंग से तो मैं निकल चुका हूँ। गाइस मैं आपको लिटरली बताता हूँ वेगोस गैंग ने जो आज मुझे धोखा दिया है ना, वेगोस गैंग के बॉस ने जो मुझे धोखा दिया है ना, मैं आज भाई मैंने सोचा नहीं था। अबे आप भाई इनको पता चल चुका है पर इस बंदे को मैं पहले ख़त्म कर देता हूँ। भाई मुझे छुपना पड़ेगा और वेगोस गैंग की ऐसी की तैसी वहाँ पे तो मैं गंदा ही अटैक करवाने वाला हूँ। भाई एक बार ना मैं बेलास गैंग के जंगू से छूट जाऊँ ना उसके बाद ना ये गंदा ही अटैक करवाऊंगा मैं वेगोस गैंग के ऊपर। इसने भाई मैंने उनके लिए कितना कुछ नहीं करा, मैंने भाई मैं बंदे को कैसे भी करके पुलिस स्टेशन से बचा के लेके आया और भाई मैं मानता हूँ यार उसने मुझे अपने बंदे भेजे बट एन मोमेंट पे आके ना गाइस उसने मुझे धोखा दे दिया और मैं यहाँ पे भाई नीचे ही लेट जाता हूँ और सब हर जगह पे ढूंढता हूँ। रुको यार गाइस ये देख रहे हो भाई हर जगह पे ये वेगोस गैंग के बंदे मुझे ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे रुको यार रुको थोड़ा आगे जाके आप लोग को दिखाता हूँ। बेलास गैंग ना गाइस कुछ ज़्यादा ही गंदी है, ये देख रहे हो हर जगह पे माइकल को ढूंढने में लगी पड़ी है पर ये बढ़िया कि हम यहाँ पे छुप गए हैं। बाकी ना गाइस मुझे इनके सामने नहीं जाना है, थोड़ा सा ही दूर दूर ही रहना है। भाई ये बेलास गैंग बहुत ज़्यादा गंदी है यार, लिटरली गंद डाल के रख दिया। भाई आप लोगों ने देखा था ना भाई ये सही में माइकल को सच्ची में मारने आए हैं क्या, मारने ही वाले हैं। ये देख रहे हो भाई क्या ही खतरनाक व्हीकल ले लेके घूम रहे हैं भाई इनको। भाई ये सारे के सारे बंदे माइकल को ढूंढ रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर भी माइकल को ढूंढ रहा है और ये हेलीकॉप्टर चलाने वाला क्या पागल है भाई। गाइस गाइस कितनी सारी गाड़ियां माइकल को ढूंढ रही है और उनको मुझे लग रहा है शक पड़ चुका है कि माइकल इधर ही है। बाकी यहाँ पे भी भाई रुको 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 हर जगह पे माइकल को ढूंढने में लगे पड़े। बाकी ये जो पार्किंग है ना पार्किंग में देखो भाई कितना बनता है माइकल को। भाई ये तो मैं गंदा फंस चुका हूँ, गन्स मेरे पास बहुत है गाइस, गन्स की कमी नहीं है बट ये जो गैंग है ना भाई ये बहुत गंदी गैंग है यार। कैसे मतलब मेरे पीछे ही पड़ी हुई है इनको, ये इन्होंने गाइस वेगोस गैंग के सारे बंदों को खत्म कर दिया, अब सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। तो भाई ये मुझे कैसे भी करके पकड़ने ही चाहते हैं भाई। गाइस गाइस मुझे ना भाई इसी बात का डर लग रहा है, भाई ये हर जगह पे माइकल को ढूंढने में लगे पड़े हैं, मतलब यार गाड़ियां ले लेके भाई मेरे पास आ रहे हैं यार। मुझे ना गाइस आप लोग ही भाई कमेंट करके बताओ भाई अभी मुझे बचा कौन सकता है। ये देख रहे हो कितने खतरनाक व्हीकल्स लेके आ रहे हैं जिसके खतरनाक वेपन्स लगे हुए हैं। भाई गाइस आप लोग ही कमेंट करके बताओ यार मुझे कैसे बचना चाहिए भाई इनसे, ये गैंग से कौन है भाई इस दुनिया में जो मुझे बचा सकता है। इन्होंने हर जगह से मेरे को घेर के रखा, वो सामने भी बेलास गैंग की ही गाड़ी है और भाई साहब नीचे वेट ये जा रही है बेलास गैंग के बंदे, देख रहे हो ना भाई हर जगह पे। ओ भाई ये भी जा रहा है, भाई ये तो हर जगह पे है भाई, हर जगह पे है यार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा, कौन बचाएगा गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ। तो चलो यार गाइस करते हैं इस वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो में अच्छा था कमेंट भी कर देना, वीडियो को दबा के शेयर भी कर देना। मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। डिस्कॉर्ड और इंस्टा दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसी तगड़ी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।